फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्टेट एस स्टी का डिस्कशन तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन आपकी एस में था पार्ट ऑफ दी दिवन सेंटेंस वन ऑफ देम अ ग्रामेटिकल एरर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर मतलब आपको इसमें एक सेंटेंस है जिसका जिसको पार्ट्स में डिवाइड करके सेंटेंसेस में दिया हुआ है ठीक अगर ये सेंटेंसेस में दिया हुआ है तो उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको उन्हीं पार्ट्स में क्या करना है एरर फाइंड आउट करना है तो चलिए भाई कैसे एरर फाइंड आउट होगी देखा जाए आप कैसे एरर फाइंड आउट करेंगे इस चीज को देखना तो बनता है तो यहां पे जब आप देखेंगे कि इसके आपको एरर फाइंड आउट करनी तो सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना बनता है अगर आपने रीडिंग अच्छे से करी है तब तो वेल एंड गुड और अगर रीडिंग आपने अच्छे से नहीं करी है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है है ना यहाँ पे आपको क्या हो सकती है प्रॉब्लम हो सकती है तो इसीलिए आप लोग इसमें एक चीज देखिए कि आपका जो भी चीजें हो वो आपको प्रॉपरली वे में समझ में आनी चाहिए लिखा है द हिंदू द हिंदू क्वेश्चन पेपर द हिंदू क्वेश्चन पेपर वॉज एक्सट्रीमली टफ फॉर सेवंथ ग्रेड स्टूडेंट्स जो सेवंथ ग्रेड के स्टूडेंट्स है जो तो उनके लिए हिंदी पेपर आया था वो बहुत ज्यादा टफ था एक बात बताओ एक्सट्रीमली क्या है एक एडवर्ब है और एडवर्ब जो है सिर्फ और सिर्फ किस मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को और यहां कंपैरिजन हो रहा है क्या तो जब कोई कंपैरिजन होता है तभी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं हाँ या ना तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज कब होता है जब हम किसी तरीके का कोई कंपैरिजन कर रहे होते हैं बट यहां पे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है तो टफर भी यहां पे रॉन्ग हो जाएगा यहां पे क्या होना चाहिए था यहां पे होना चाहिए था एक्सट्रीमली टफ फॉर सेवेंथ इसीलिए आपकी एर किसमें आई ऑप्शन नंबर ए में इसी तरीके से ग्रामर कन्सेप्ट को आप रिकॉल करते रहें और अच्छे से इनको करें. Right? अब आपको वो करना है जो यहाँ पे एकदम इनकरेक्ट है यानी कि इनकरेक्ट यानी कि जिसकी स्पेलिंग आपको यहाँ पे रॉन्ग दी हुई है तो यहाँ पे ये देखना है कि किसकी स्पेलिंग आपको रोंग दी हुई है ठीक है तो यहाँ पे आपका पहला वर्ड है एल्यूमिनियम तो देखो पहला ही वर्ड है आपका यहाँ पे रॉन्ग दिया यहाँ पे एनआईएम -E लिखा हुआ है जबकि एल्युमिनियम की स्पेलिंग होती है एम आई एन आई यूएम एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है मतलब किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना है ना लार्ज क्वांटिटीज में जब कोई चीज मैन्युफैक्चर की जाती है एक्सक्रेटरी का मतलब होता है जो एक्सक्रेशन से रिलेटेड है और रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड है किसी चीज में कितना रेजिस्टेंस है कितना फ्लो है राइट तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर अब इसमें किसकी स्पेलिंग है, है? मतलब तो है सक्सेसफुल सक्सेसफुल मतलब क्या होता है दैट यू अचीव्ड व्हाट यू वांटेड जो आप चाहते थे वो आपने क्या किया अचीव कर लिया स्ट्रेटजी मतलब एक तरीके का सिस्टमेटिक प्लान होता है डेफिनेशन किसी चीज को आप डिफाइन करते हो और कंटिन्यूअसली मतलब जो ऑन गोइंग होता है तो यहाँ पे जो इनकरेक्टली करेक्टली स्प्रेड वर्ड है वो कौन सा है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट अब आपको एंटेनिम बताना है किसका वर्ड वर्ड का तो रैश वर्ड का तो क्या होगा बताइए रैश वर्ड का मतलब होता क्या है कुछ चीजों को ऐसे करना कहते हैं ना रैश ड्राइविंग कर रहे हो बहुत ही खराब तरीके से ड्राइव कर रहे हो जिसका इफेक्ट जो है दैट माइट बी डेंजरस और बैड विदाउट थिंकिंग अबाउट पॉसिबल रिजल्ट्स है ना जो चीज जिसका इफेक्ट क्या हो सकता है यानी कि चीजों को ऐसे करना डूइंग थिंग्स दैट माइट बी डेंजरस जो खतरनाक हो सकती हैं चीजें राइट तो यहां पे डेफिएंट वर्ड यूज हुआ है क्या डेफिएंट हो सकता है दैट इज द ओपन रिफ्यूजल टू ओबे समबडी डिफाई कर देना ओपन रिफ्यूजल टू ओबे किसी को ओबे करने के लिए मना कर देना अगर वे वर्ड देखे तो वे वर्ड क्या होता है दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते है ना जिसको आप क्या नहीं कर सकते कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो हो गया आपका वेवर्ड अनरूली जहां आप रूल नहीं कर सकते है ना दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल वो इसी का काम हो गया आपका केयरफुल मतलब तो जब रैश ड्राइविंग कर रहे हो जो चीजें डेंजर्स है उससे आप क्या हो रहो बहुत ज्यादा केयरफुल रहो तो ये इसका करेक्ट इंटरनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट

और circumstantial मतलब जो जो किसी किसी चीज़ चीज़ को properly suggest करती है है right? भी चीज़ से क्या है? Related ही नहीं है तो contextual मतलब related है. Unrelated मतलब नहीं है है नहीं यही इसका करेक्ट गया डिपेंडेंट मतलब किसी चीज पे डिपेंड है और कहते ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो मतलब जो टेम्पररी एक सर्टिफिकेट होता है ना प्रेजेंट टाइम में उसके लिए यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स टू लैग बिहाइंड मतलब लैग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना जैसे हमने बोला आई लैग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ दाइकर्स एंड गॉट लॉस्ट मैं पीछे रह गया तो इट मीन्स टू फेल टू मेंटेन द पीस और प्रोग्रेस आप फेल हो गए पेस और प्रोग्रेस कर, आ, को मेंटेन करने में चेज समवन मतलब पीछा करना नहीं फॉलो करना नहीं होता है इमिटेट करना भी नहीं होता है

Eagerly, बहुत डिजायर होते हैं किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तो उसे हम बोलते हैं इंप्रूव right? है, करना है अगर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो और अगर कोई भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या माफ करेंगे नो सब्सिट्यूशन रिक्वायर्ड चलो भाई देख लेते हैं वी विल बी इन टच विदाइम इज अराइव हम उनके टच में रहेंगे when the time is arrive, when the time arrives. तो सिंपल ये कंडीशनल सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर हमेशा सिंपल प्रेजेंट uh, को ही फॉलो करतेगा करेगा यहाँ पे इज एम आर का कोई मतलब नहीं है यहां पे होना चाहिए था अराइव इन तरीके के सेंटेंसेस में हम अराइव यूज करते हैं क्योंकि फ्यूचर सिंपल है अगर इफ क्लॉज में है ना तो आपका सिंपल प्रेजेंट भी होगा ठीक है इज एम आर कुछ भी नहीं होगा तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी वुड बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्टे होम इज वीकेंड में घर में रहने का is more better than to go out for dinner. एक बात बताओ. डिग्री कोई बात नहीं दिक्कत नहीं है है ना कंपेटिव डिग्री में कंपेरिजन हो रहा है ज्यादा बेहतर रहेगा मोर हमेशा ऑलरेडी आप क्या कहते हो जो ऑलरेडी कंपेटिव डिग्री है उसके साथ आप नहीं लगाओगे है ना लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो अनकाउंटेबल के हिसाब से आप मच लगाओगे मच बेटर जो कि अनकाउंटेबल है मोर में आप चीजें काउंट कर सकते हो और कंपेरेटिव में आप मोर और बेटर एक साथ यूज नहीं कर सकते आपको ज्यादा इम्फेसिस देना है तो यू कैन यूज मच बेटर तो इसको करेक्ट करेगा मच बेटर देन माइंड तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फिलिंदी ब्लैंक्स और लास्ट क्वेश्चन है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन प्ले अ रोल इन ऑल दी सोसाइटी हम कहते हैं प्ले अंपोर्टेंट रोल अब क्योंकि इंपॉर्टेंट यानी आए तो आ नहीं सकता क्योंकि अ लगा है एन होना चाहिए था तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्या कह सकते हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट का मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है सफिशियंट मतलब कोई चीज एनफ है ठीक है और रिफ्रेशिंग मतलब दैट इज न्यू एकदम डिफरेंट राइट तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो अप्रीप्रिएट वर्ड क्या हो जाएगा कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑल सोसाइटी हमने बहुत ही रैपिडली चीजों को किया है और अच्छे से समझा है स्पीड टेस्ट नंबर फोर्टी को आगे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे स्पीड टेस्ट फोर्टी वन नंबर से थैंक यू सब्सक्राइब ने